दिल्ली NCR में रेव पार्टी करने, रेव पार्टी में सांप ले जाने और उनके जहर से नशा कराने का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस केस में पुलिस ने रिमांड पर शुक्रवार सुबह सपेरों से पूछताछ शुरू कर दी है। उनका 54 घंटे का रिमांड मिला हुआ है। इन सपेरों को पुलिस ने गोपनीय जगह पर रखा हुआ है। पहले दिन हुई पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि ये सपेरे गुड़गांव समेत दिल्ली NCR में बुकिंग पर अलग अलग जगहों पर पार्टियों में जाते थे। रिमांड अवधि में ही पुलिस 5 आरोपियों को उन स्थानों पर ले जाएगी जिनका जिक्र FIR और वायरल वीडियोस में है। पहले 3 से 4 घंटे तक सबसे अलग अलग पूछताछ की जाएगी। इसके बाद 5 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर 2-2 घंटे के ब्रेक के बाद पूछताछ की जा सकती है। राहुल से अकेले पूछताछ की जाएगी जो कई राज खोल सकता है। आरोपी ने बताया है कि उनका एल्विश यादव से सीधा संपर्क नहीं है। दावा किया है कि एक मध्यस्थ के जरिए एल्विश से उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा इन सपेरों ने एल्विश केस में तमाम राज खोले हैं। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर पूछताछ कर रही है। आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि उसने गुड़गांव में पार्टी की है, खासकर फाजिलपुर गांव में। ये वहां पार्टी में बीन और सांप लेकर गया था। अब पुलिस की जांच एल्विश के मैनेजर की तरफ भी बढ़ रही है। माना जा रहा है कि पहले पुलिस उस मैनेजर को जांच में बुलाकर सपेरों से आमना सामना कराएगी। इसके बाद एल्विश से भी आगे और पूछताछ हो सकती है। ये बात भी सामने आ रही है कि एल्विश यादव ने पुलिस को खुद को बीमार बताया हुआ है और इस आधार पर फिलहाल उसे कुछ छूट पूछताछ से मिली हुई है। नोएडा के DCP हरीश चंद्र का इस मामले में कहना है, रिमांड पर आए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कई अहम जानकारियां मिली हैं, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। रिमांड पर आए आरोपियों ने पूछताछ में शुरू के 2 घंटे तक पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करा। एविडेंस सामने रखने पर हर बार उनका झूठ पकड़ा गया। राहुल जिन जिन पार्टीज में गया था वहां की लोकेशन और CDR पुलिस ने उसके सामने रख दी। इसके बाद वो टूटने लगा और पूछताछ में सहयोग की बात करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनके अलावा बाकी सभी आरोपी गिरफ्तार हैं। एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने 2 बार बुलाया था। दोनों बार उनसे 2 से 3 घंटे तक यानी लंबी लंबी पूछताछ हुई। इस बीच क्या सवाल किए गए वो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, बाकी आरोपियों को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर आगे इसमें यूट्यूबर एल्विश यादव की भी समस्याएं बढ़ती नजर आए। एल्विश यादव को बीते दिनों कोटा में जरूर रोका गया था। कोटा पुलिस ने एक गाड़ी को रोका था जिसमें एल्विश यादव बैठे हुए थे। इसके बाद कोटा पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क करा। नोएडा पुलिस का कहना था कि फिलहाल एल्विश की तत्काल इस मामले में गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बातचीत के बाद कोटा पुलिस ने एल्विश यादव को जाने दिया था। इसके बाद भी एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और अब आगे की कार्रवाई भी इस केस में बढ़ रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।